समझो पहले आप, तब छापना। देखो समझ लो तब छापना। परफेक्ट का बात कर रहे थे, किसका? कल ले किए थे। परफेक्ट का मतलब होता है जब कोई काम तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, कोई काम कंप्लीट हो गया सब क्या हो जाएगा, जैसे आज तुम क्लास आ चुका है ना, ये काम परफेक्ट है। कल क्लास हो चुका है, कल वाला वो भी क्या हो गया, परफेक्ट। मान लो तुम आगरा गया था, लाल किला को देख लिया, परफेक्ट। लाल किला तो आगरा में है, हाँ दिल्ली में ना, दिल्ली गया था, लाल किला देख लिया, काम परफेक्ट हो गया। तो जो भी काम परफेक्ट हो गया उस सबको तुम किस में बोलेगा, हाँ ये बात समझ में आ गया ना। अगर टेंस अगर बोलना पड़े तुमको, टेंस में इंग्लिश में, तो टेंस में ले जाना पड़ेगा ना। तो जो काम तुमको लगे कंप्लीट हो चुका है वो सब किस में बोलेगा, परफेक्ट में बोलेगा। ये बात समझ में आ गया। तो परफेक्ट में भी तीन को परफेक्ट होगा, एगो प्रेजेंट वाला, एगो पास्ट वाला, एगो फ्यूचर वाला। प्रेजेंट वाला कल पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट वाला में कुछ नहीं। देखो परफेक्ट का मतलब जब हिंदी में बोलेगा ना तो चुका चुकी आ जाता है, तुम बोल के रखना। जैसे हम ताजमहल देख चुके हैं, तो ये है बोले तो प्रेजेंट का था, और तुम इसी का पास्ट करेगा तो था बोलना पड़ेगा। जैसे मैं ताजमहल देख चुका हूं, हम आगरा जा चुके हैं, मेरा भाई खा चुका है, तो ये प्रेजेंट का था। अब सब में था लगाओ, जैसे मेरा भाई खा चुका था, हम जा चुके थे, सर आ गए थे, हमने उसे देख लिया था। कभी कभी या भी आता लास्ट में, बोले थे ना कल तो बताए थे, चुका चुकी वाला क्वेश्चन में लास्ट में या भी हो सकता है, या हो सकता है, ये हो सकता है, ये ई हो सकता है। जैसे वह खा चुकी थी, वह खा लिया, या वह खा ली थी, बोले ना। तो इस सब भी किस में चल जाएगा, परफेक्ट में चल जाएगा। लेकिन आज बात करेंगे किसका, पास्ट का, मतलब पास्ट परफेक्ट का। कल बात किए थे किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। आज किसका करेंगे, पास्ट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का यूज किए थे। देखो जब ये परफेक्ट का बात तुमको पता चल जाए तो बुझ जाना कि तीनों को हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। कौन कौन, या तो हैज, या तो हैव, या तो हैड, यही तीन को में से कोई ना कोई यूज होगा। लेकिन प्रेजेंट का होगा तो हैज और हैव होगा, यहां लिख दिए हैं। अगर पास्ट का होगा तो हैड का यूज करेंगे। फ्यूचर का तो कल बात करवे करेंगे। फ्यूचर का मतलब है सेल्विल आ जाएगा, तो सेल्विल घुसिया दिए यहाँ पे, उसको भूल जाओ दो मिनट के लिए, कल बताएंगे। फिलहाल किसका बात करेंगे तुमको हम, पास्ट का। तो पास्ट का बात करेंगे तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, सिर्फ हेड वाला आएगा, इसी का ना बात करेंगे। सब में देखो हेड लगा दिए होंगे, मैं लगा दिया, छ को टाइप बनेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव, छह में क्या लगा होगा, हेड। सर हेड क्यों लगा है, क्योंकि हेड पास्ट होता है। बात किसका हो रहा है, देखो पास्ट का बात हो रहा है तो हैज, तीन को है ना, हैज, हैव और हैड, तीनों में कौन पास्ट है, हैड वाला पास्ट है। प्रेजेंट कौन है, हाँ हैज और है प्रेजेंट है। तो पास्ट का बात करें सिर्फ हैड का बात करेंगे, देख लो तो सब में हैड लगाएंगे। तो हैड का मतलब हो गया तुमको पास्ट। अब देखो परफेक्ट का बात करें ना, तो परफेक्ट का मतलब कौन कौन, हाँ जो काम हो चुका है, कति बोलती है, हाँ नहीं ठीक है, इसको मतलब हैड होगा। कुछ ज्यादा बोल दिए ना, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा तुमको, परफेक्ट का मतलब, देखो परफेक्ट का मतलब है होता है हैज, हैड, उल्टा बोल दिया हम। देखो परफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा तुमको, हैज, हैव और हैड, तीन को होना, हैड, हैज और हैव। लेकिन पास्ट का बात होगा तो ये दोनों उड़ जाएगा ना, तो कौन बच गया सिर्फ हैड, बस ये बात बता रहा था। अब क्लियर है ना, चलो देखो अब तीन को है ना, हैज, हैव और हैड, यहां लिख लो तीन को, कौन कौन, हैज, हैव और हैड, क्या को है, तो बताओ एगो भर्ब होगा, कहियो पहला वाला, दूसरा वाला, जब भी होगा क्या वाला, तीसरा वाला, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा ना। तीन गो है तो एक एक गो ले लेगा, छह गो है तो दो दो गो ले लेगा, और नौ गो रहेगा तो तीन तीन गो ले लेगा। लेकिन नौवा वर्ब होता है, कैसे नौवा नहीं होता है, पांच गो होता है, छठा हम बना के रख दिए तो छह गो कम से कम होता है। तो या तो तीसरा लेगा या तो क्या लेगा, तो फिलहाल बुझ जाओ कि सब में तीसरा यूज करेंगे, किसके साथ, हेड के साथ, सब में यूज किए होंगे। देख लो हेड हो गया तुमको हेल्पिंग वर्ब, अब भीतरी हो गया मेन वर्ब, समझ में आ गया ना। हेड कौन वर्ब हो गया, अब भीतरी कौन हो गया, मेन वर्ब। पॉजिटिव में शुरू में सब्जेक्ट रखे होंगे, अब बाद में क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट, अब बीच में हेड प्लस भीतरी बोले होंगे। अब देखो एग्जांपल कैसे बनेगा, जैसे मैं खा चुका था तो क्या बनेगा, हाँ तो देखो आई हैड ईटन, मैं जा चुका था आई हैड गॉन, मैं लिख चुका था आई हैड रिटन। ओ भर्ब का तीसरा बोलना पड़ता है, भर्ब का तीसरा कुछ कुछ अलग होता है और कुछ कुछ लास्ट में डी या ईडी जोड़ दो, तो भर्ब के पाला रूप में लास्ट में डी या ईडी जोड़ देंगे तो तीसरा बन जाता है। क्या बोले, भर्ब के पाला रूप में
लास्ट में क्या जोड़ देंगे, डीआईडी, तो क्या मां बन जाएगा, लेकिन 90% 10% 10% तुमको याद करना पड़ेगा। जैसे स्पीक का स्पोकन होता है, राइट का रिटन होता है, गो का गॉन होता है, कम का कम्य होता है, धीरे याद हो जाएगा, स्लिप का स्लिप्ट हो जाता है, याद हो जाएगा। अब बाकी जो ईडी लगता है तो आसान है, प्ले का प्लेट हो जाएगा, वाक का वाक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बोलेंगे जैसे वह अंग्रेजी बोल चुका है तो क्या बोलेंगे, ही, इसमें सेट करेंगे ही हैड स्पोकन इंग्लिश। जैसे मेरा भाई जा चुका है, माय ब्रदर चुका है कि चुका था, हाँ गलती से चुका है बोल देते, सब किस में जाएगा, हाँ में। तो मेरा भाई जैसे क्रिकेट खेल चुका था, माय ब्रदर हैड प्लेड क्रिकेट। जैसे हम पबजी खेल चुके थे, आई हैड प्लेड पबजी। सर पढ़ा चुके थे, सर हैड टीच का होता टॉट, हो जाएगा। जैसे सर अंग्रेजी पढ़ा चुके थे, सर हैड टॉट इंग्लिश, सब इस पे चल जाएगा, पॉजिटिव नहीं बन जाएगा। अब चार पांच को बोले, बोल लेगा, मैं जा चुका था, मैं आ चुका था, मैं खेल चुका था, मैं पढ़ा चुका था, सर टेंथ पढ़ा दिए थे, हाँ। देखो चुका नहीं बोले, ये बोल दिया ना, तो ये वाला भी तो होता है ना इसका, हाँ सर हैड, हाँ टॉट टेंथ जो भी होगा। अच्छा अब बताओ निगेटिव कैसे बनाएगा, सो बताओ सर। निगेटिव बनाने का सिंपल तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दीजिए, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसमें, यही ना हैड है ना हेल्पिंग वर्ब में, इसके बाद क्या लगा देंगे, तो देखो हेल्पिंग वर्ब में आता, इसके बाद क्या लगा दिए, बन गया निगेटिव। निगेटिव हो जाता है तो दो तरीका बन जाता है, एगो हेड के बाद नॉट लगा दीजिए और दूसरा हेड में नॉट को चिपका दीजिए, तो हेड में चिपका देंगे तो हेडंट हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो हेड नॉट हो जाएगा। जैसे बोलेंगे कि वह अंग्रेजी नहीं बोल चुका था, नहीं आएगा ना हिंदी में, तो नहीं आएगा ना भाई इसी वाला में, वह अंग्रेजी नहीं बोल चुका था, क्या बनेगा, ही हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश, या शॉर्टकट बनाएंगे तो ही हैडंट स्पोकन इंग्लिश, नहीं हो जाएगा। जैसे मेरा भाई नहीं खेल चुका था, हाँ सेट करो, माय ब्रदर हैड नॉट प्लेड, मेरा भाई नहीं खा चुका था, माय ब्रदर हैड नॉट ईटन, मेरा भाई नहीं जा चुका था, माय ब्रदर हैड नॉट गॉन। जैसे हम ताजमहल नहीं देख चुके थे, आई हैड नॉट सीन द ताजमहल, इसका शॉर्टकट नहीं लिखा गया, एक शॉर्टकट भी होगा ना, हाँ ये तो पहला हो गया, और दूसरा क्या बन जाएगा, इसका सब्जेक्ट होगा ना, हैड में जोड़ दो हैडन, फिर वर्ब का क्या हुआ तीसरा, और फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव समझ में आ जाएगा, अब बन जाएगा ना, अब टेस्ट लगे तो फंसेगा नहीं ना, चलो तैयार आना तुम अपना। फिर अब किसका बात करेंगे, देखो इंट्रोगेटिव बस आसान है, निगेटिव में हेड के बाद नॉट लगाता है, इंट्रोगेटिव में हेड को उठा के ले आएंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहां रख दो, सब्जेक्ट के पहले हो गया इंट्रोगेटिव, तो देखो ना सब रख दिए होंगे हम स्ट्रक्चर में, देखो रख दिया है, किसके पल रख दी है, बस हो गया। अब वर्ब का तीसरा फिक्स है ना, कहा कि हेड वर्ब का क्या मान लेता है, इसके अलावा कोई भी देगा नहीं लेगा, तो बोलेंगे क्या हुआ जा चुका था, तो क्या बोलेंगे हैड ही गॉन, क्या हुआ लिख चुका था हैड ही रिटन, क्या हुआ खा चुका था हैड ही ईटन, क्या हुआ सो चुका था हैड ही स्लिप, क्या सर पढ़ा दिए थे हैड सर टॉट, नहीं हो जाएगा, सब इस पे सेट होगा, सिर्फ तुमको बोलना है, मन मन में बोलना और बोल के देखना इंग्लिश, मतलब हिंदी भी सोचना और इंग्लिश भी सोचना खुद से, तो ये सब आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा तुमको, ठीक है। अच्छा फिर इसका निगेटिव में आ जाओ, निगेटिव में क्या करेंगे, बस सर इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव है मतलब हेड को उठा के कहां रखेंगे, शुरू में सब्जेक्ट के पहले, और निगेटिव है मतलब नॉट को भी सेट करना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रह जाता है, नॉट जहां रखो इतना समझो इसका, हाँ निगेटिव है ना, निगेटिव से आसान हो जाता है बनाना इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, बस देखो निगेटिव में ही क्या किए, हेड को शुरू में ले आओ, क्या रख लो, बस सेम हो गया, देखो ना निगेटिव वाले में से क्या करो, हेड को कहां रख लेंगे शुरू में, तो वही हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, हेड को शुरू, देखो हेड बाद में था तो निगेटिव था ना, अभी हेड को उठा के ले आया तो क्या हो गया इंट्रोगेटिव हो गया, और नॉट तो अपने से अगले है तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव इसी से बन गया, सेम स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ हेड को शुरू में ले आए होंगे और कुछ नहीं किया है, हम लोग को जो उतना याद हो गया है तो कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट पता है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के लाना, वो उसको उठा के ले आते काम हो जाता है, उतना थोड़े रट पाएंगे, कोई नहीं रट पाएगा, ठीक है। देखो तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्वेश्चन कैसा बनेगा, बस सर क्या रहेगा शुरू में, क्या रहेगा ना, और साथ में क्या चिपका रहेगा, जैसे क्या हुआ पबजी नहीं खेल चुका था तो बनाएंगे तो क्या बनेगा, हाँ हैड ही नॉट प्लेड पबजी, क्या हुआ खाना नहीं खा चुका था हैड ही नॉट ईटन, क्या हुआ नहीं जा चुका था हैड ही नॉट गॉन, क्या हुआ नहीं आ चुका था हैड ही नॉट कम,
सब बन जाएगा। अच्छा अगर जोड़ के बोलेंगे तो नॉट को जोड़ के तो हैडंट बोलना पड़ेगा, जैसे वह नहीं खा चुका था हैडंट ही ईटन, क्या वह नहीं जा चुका था हैडंट ही गॉन, क्या वह नहीं बोल चुका था हैडंट ही स्पोकन, हो जाएगा ना। और का तीसरा तुमको रटना पड़ेगा, रटा आ जाएगा आपने। चलो चार में दिक्कत नहीं, चार तक में। चलो तो पांचवा देखो, पांचवा कैसा है तुमको, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच का मतलब पता चल गया होगा सबको, शुरू में क्या आएगा या तो डब्ल्यू या तो, जैसे व्हाट वेयर हाउ व्हेन हु व्हिच, ये सब किसका है, डब्ल्यू एच फैमिली का। अब अगर उस सब का बात करेंगे तो डब्ल्यू एच फैमिली वाला स्ट्रक्चर अलग होता है, वो कैसा बनता है तो इंट्रोगेटिव से बनता है, बस इंट्रोगेटिव के शुरू में रख दो डब्ल्यू एच, इंट्रोगेटिव ही बना के रख देगा डब्ल्यू एच का, बस शुरू में तुमको क्या रखना है यहां पे रखना है डब्ल्यू एच, देखो ना शुरू में डब्ल्यू एच रख दिया, यहां देखो रख दिया है, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर होगा तुमको किसके तरह, इंट्रोगेटिव हेड है सब्जेक्ट है भीतरी ऑब्जेक्ट है, हेड है सब्जेक्ट है भीतरी और बस शुरू में क्या है, तो बस इंट्रोगेटिव से डब्ल्यू एच नहीं बना लेगा, इंट्रोगेटिव अगर आता है तो डब्ल्यू एच ही बन जाएगा, बस शुरू में क्या रखना है तुमको डब्ल्यू एच रखना, जैसे वह कैसे जा चुका था हाउ हैड ही गॉन, वह कैसे लिख चुका था, सेट करो इस पर आराम से, हाउ हैड ही रिटन, वह कैसे खा चुका था हाउ हैड ही ईटन, वह कैसे बोल चुका था हाउ हैड ही स्पोकन, वह कैसे आ चुका था हाउ हैड ही कम, नहीं हो जाएगा कम केम कम, तीसरा कम में होता है। तो बता डब्ल्यू एच फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, डब्ल्यू एच फिर क्या होगा हैड, फिर क्या होगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का क्या मा, फिर क्या हैड के साथ वर्ब का क्या मा लगता है, इसका मतलब सौ में तीसरा चिपकल होगा, और पास्ट परफेक्ट का बात हो रहा है तो परफेक्ट का मतलब हैड हैव और हैड, यही ना होता है, और पास्ट का बात है तो पास्ट कौन सा हैड वाला ना, तो सब में हैड प्लस भीतरी होगा, तुम देख लो छह में हैड प्लस क्या होगा भीतरी, शुरू में होगा सब्जेक्ट बाद में होगा ऑब्जेक्ट, और निगेटिव होगा तो नॉट को सेट किए होंगे, बस यही है छह होगा टाइप। चलो तो डब्ल्यू एच का निगेटिव कैसा बनेगा, किसकी तरह इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के शुरू में क्या रख देंगे डब्ल्यू एच रख दिया है तो दो बन जाएगा ना, तो पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा डब्ल्यू एच हैड सब्जेक्ट नॉट भीतरी और ऑब्जेक्ट, एक बार क्या बनेगा डब्ल्यू एच हैडंट सब्जेक्ट भीतरी और ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल कैसा बनेगा वह कैसे नहीं लिख चुका था वह क्यों नहीं लिख चुका था वह कहां नहीं लिख चुका था, ऐसा होता नहीं है चलेगा लेकिन बोल चाली बात सीख सकता है, तो वह कैसे नहीं लिख चुका था क्या बोलेंगे हाउ हैड ही नॉट रिटन, इसमें सेट करते हैं वह कैसे नहीं खा चुका था हाउ हैड ही नॉट ईटन, वह कैसे नहीं बोल चुका था हाउ हैड ही नॉट स्पोकन, वह कैसे नहीं जा चुका था हाउ हैड ही नॉट, जाना था ना गोवेंट गॉन होगा, हाँ गॉन होगा ठीक है। अच्छा इसमें बोलेंगे तो बस हैडंट बोलना पड़ेगा ना, वह कैसे नहीं खा चुका था क्या बनेगा हाउ हैडंट ही ईटन, वह कैसे नहीं बोल चुका था हाउ हैडंट ही स्पोकन, नहीं बन जाएगा, समझ में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट भी समझ में आ गया और पास्ट परफेक्ट भी समझ में आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट में किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट किसका यूज करेंगे हैज हैव के बाद भी क्या लगता है वर्ब का क्या मा तीसरा, और हैड के बाद ही वर्ब का क्या मा लगता है, बस प्रेजेंट परफेक्ट में बात करेंगे हैज आपका, अब पास्ट परफेक्ट में बात करेंगे किसका, जहां जहां तुम हैड लगाया है ना वहां वहां तुम क्या रख देगा हैज या हैव, तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कल वाला, नहीं हो जाएगा, जहां जहां तुम क्या लगाया आज हैड वहां वहां तुम क्या रख दो हैज या हैव, तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा हैड में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है जो नोट वगैरह होता है, जैसे हैज वन के साथ हैज लगता है, मैनी के साथ हैव लगता है, आई के साथ यू के साथ वी के साथ दे के साथ हैव लगता है, ही सी इट के साथ हैज लगता है, लेकिन इस समय ये सब कॉन्सेप्ट सब के साथ देखो हैड सभी के साथ, मतलब आई के साथ भी हैड यू के साथ भी हैड ही के साथ भी हैड सी के साथ भी हैड वन के साथ भी हैड और मैनी के साथ भी हैड, तो इसमें वो सब कॉन्सेप्ट है, आसान हो गया ना, मतलब कुछ दिखे चुपचाप क्या लगा के बोलेंगे हैड के बाद वर्ब का क्या मा लगता है, यही लिखे हैड के बाद वर्ब का तीसरा लगता है, हैड प्लस नॉट को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, और कोई पॉइंट हो तो कुछ खास के लिखना ठीक है, क्वेश्चन भी है ना चेक कर लो आराम आराम से पढ़ लेंगे बारह टेंस पहले चुपचाप, कल का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन चेक करो पहले सब निकाल लिया, निकालो सब निकाल दो, वो आ चुका है देखो इसमें बोलेंगे ही हैज कम, सर हैज टॉट, सर चुके है ना, सर हैज टॉट सिक्स टेंसेस, एक से ज्यादा हो गया ना, एक से ज्यादा हो तो इंग्लिश में क्या करते हैं एस एस लगा देते हैं, जैसे बॉय अगर एक से ज्यादा है तो तुम बॉय बोलेगा नहीं, बस चुपचाप एस चिपका दो बॉयज, और गर्ल अगर एक से ज्यादा है तो क्या बोलेगा
अगर पेन अगर एक से ज्यादा तो क्या बोलेगा, अगर डॉग अगर एक से ज्यादा तो क्या बोलेगा, देखो एक से ज्यादा हो तो एस चिपका देना और एक से कम हो या एक हो तो एस हटा देना, नहीं हो जाएगा, बोलो आगे क्वेश्चन। इसलिए टेंस को टेंसेज बोले है। हाँ, ही हैज सीन मी, सी सॉ सीन, ही हैज सीन मी, आई हैव सीन द ताजमहल, ताजमहल के पहले दो लगा के चलना, सर हैज कम इन द क्लास, क्लास में है ना, इन द क्लास, फिर पोजीशन का कमाल है ये। वी हैव लर्नड, लर्न का भीतरी लर्नड होता है, एल ई ए आर एन टी, लर्नड, वी हैव लर्नड इंग्लिश, लर्नड इंग्लिश, क्या हुआ, हैज, देखो इंट्रोगेटिव हो गया ना, हैजंट बोलो या हैज ही नॉट बोलो, हैज ही नॉट कम या हैजंट ही कम, Have you seen the Taj Mahal? Have you seen the serial? या watch the कर दो, देखना का बहुते होता है, लेकिन serial वगैरह देखेगा ना तो watch the कर देना, easy लग जाता है, watched। जब पूरा दुनिया भूल करके देखते हैं तो watch करते हैं। I'm watching movie, मैं TV देख रहा हूँ या film देख रहा हूँ। He hasn't seen me. How have you spoken? How hasn't he come? How hasn't he gone? क्या वह नहीं आया है? Has he not come? या hasn't he come? क्या वह नहीं गया है? Hasn't he gone? Has he not gone? वही बात है ना? देख लिया ना? तुम बुझ गया ना? हम क्या करना चाह रहे बुझ गया ना? बार बार बोलेंगे तो झगड़े हो जाएगा। हाँ, इसलिए अपना लिखो, क्वेश्चन लिखो। अब देखा पुरुष समझ आ रहे, हम नहीं बोलेंगे तो बुझ जाएगा अपना। बोलो क्वेश्चन बोले। हाँ, बोले आ जाओ, बोले मैं जा चुका था, लिखो ना, मैं जा चुका था, कल से धरने पर बैठ जाएगी सामने रोड के उस पार, मैं जा चुका था, सर आ चुके थे, सर आ चुके थे, मैंने लिख लिया था, या वाला भी इस पे जाता है, पता है ना, मैंने लिख लिया था, वो अंग्रेजी बोल चुकी थी, he had spoken English, होगा। अब प्रूव कर रही है मेहनत, she had spoken English, हम लोग कोशिश कर चुके थे, हम लोग कोशिश कर चुके थे, हम लोग कोशिश कर चुके थे, आपने कोशिश क्यों नहीं किया था, आपने कोशिश क्यों नहीं किया था, ट्राई का भी थ्री ट्राइड, लास्ट में वाई रहता तो वाई खोटा के आई ईडी लगा देते, ट्राइड। हाँ, तुमने कोशिश क्यों नहीं किया था, है ना। उसके बाद वह कैसे नहीं खा चुका था, वह कैसे नहीं खा चुका था, वह कैसे नहीं खा चुका था, हाँ, आप क्यों नहीं लिख चुके थे, आप क्यों नहीं लिख चुके थे, Why had you not written? इंग्लिश मत लिखेगा, सिर्फ सुनना, आप क्यों नहीं लिख चुके थे, क्या हुआ, तित्ती खेल चुका था, तित्ती बुझता है ना, तो तित्ती के तित्ती है, पबजी के सब्जी थोड़े बजते है, तित्ती के तित्ती है, क्या हुआ, तित्ती खेल चुका था, हैड ही प्लेड तित्ती, वह खा चुका था, वह खा चुका था, उसने मुझे देख लिया था, उसने मुझे देख लिया था, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा था, लेकिन का बट, हाँ लिख दो उसी में, मैंने उसे देख लिया था लेकिन उसने मुझे नहीं देखा था, उल्टा बोल दिया है, उसने मुझे देख लिया था लेकिन
मैंने उसे नहीं देखा था. He had seen me, but I hadn't seen him. उसने मुझे देख लिया था लेकिन मैंने उसे नहीं देखा था. क्या आप गाना गा चुके थे? बारह को हो गई थी. क्या आप गाना गा चुके थे? उसके पास दिमाग नहीं था. उस नाम बता दे इतना मारे करवा देखा इतना ऐसे पूछ देता चुपचाप पकड़े है. उसके पास दिमाग नहीं किसके बताऊं सो झमड़ा. उसके पास दिमाग नहीं था. तुमको निकाल रहे हैं. अब किसी के पास हो सकता है? आपने पढ़ लिया. हाँ ठीक है चलो बाकी बुझ गया. उसके पास दिमाग नेक्स्ट क्या उसके पास दिमाग नहीं था? क्या उसके पास दिमाग नहीं था? ठीक है हम भी तो चाहते तुम समझो. आ जाओ क्या ठीक है समझ रहे ना? समझती है किसका भी बोल रहा हूँ. ठीक है रख दे काफी ना. जो लिखा लिख लो. आठ को हो गया. चार को आठ पढ़ेंगे. कल बंद है तो पढ़ेगा. जल्दी बोलो.